विगत 17 जुलाई को पचम्बा थाना क्षेत्र से चोरी की गई एक बाइक को पुलिस ने बरामद कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। यह जानकारी डीएसपी संजय राणा ने मंगलवार को पुलिस लाइन में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर दी। उन्होंने बताया कि पचम्बा थाना प्रभारी नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर सघन छापेमारी की गई। इसके तहत मधुपुर से अरबाज खान और पंकज मंडल को गिरफ्तार किया गया। साथ ही मधुपुर से चोरी की गई बाइक को भी बरामद कर लिया गया है। छापेमारी दल में पुलिस के कई अफसर और जवान शामिल थे। पचम्बा थाना में भी एक मोटरसाइकिल की चोरी हुई थी। इस संबंध में पचम्बा थाना कांड संख्या 8821 दिनांक 17/7/21 दर्ज किया गया था और इसमें भी एक टीम का गठन किया गया था। टीम का जो नेतृत्व है नीतीश कुमार थाना प्रभारी कर रहे थे और इनके साथ जो है इनके साथ ASI इनके उमेश कुमार और अन्य इनके बल के लोग थे और इनका जो है संचालन मेरे द्वारा किया जा रहा था और इन्होंने जो है सघन छापामारी करके गुप्त सूचना के आधार पर जो है संदिग्ध अरबाज अहमद को पकड़ा जो है और इसके अलावा उनसे पूछताछ करने के बाद जो है ये पता चला कि इन्होंने मोटरसाइकिल चोरी की है और इसके आधार पर जो है मधुपुर से मोटरसाइकिल बरामद की और दो एक्यूज को इन्होंने पकड़ा। एक का नाम था अरबाज अहमद और दूसरे का नाम था पंकज मंडल और इस संबंध में जो है मधुपुर जो है वहाँ से इनको काफ़ी हेल्प मिला और वहाँ के SP साहब ने भी जो है अपने यहाँ से बल को दिया और इसमें इनको सफलता मिली काफ़ी।